Hey, welcome back to Dream Plan Designing and Construction. I'm Gautam Ajay, Civil Engineer. You are watching Strength of Material Lecture Series. Let's study. Today I will discuss about compatibility equations. At first, we have to understand that what is the meaning of compatibility. A compatibility kya hai? There are two types of compatibility. Two types of compatibility hai. First one, that is strain compatibility, and second, that is स्ट्रेस कंपेटेबिलिटी. पहले हम बात करते हैं कंपेटेबिलिटी होता क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेटेबिलिटी. अगर हम एक लोडेड स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पर वेरियस टाइप्स का मेंबर्स है. हर एक मेंबर में डिफॉर्मेशन अलग है. तो अगर डिफॉर्मेशन अलग है और स्ट्रेस भी अलग है, तो ये हर एक मेंबर में जो डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस का रिलेशंस है वही है कंपेटेबिलिटी. तो मैंने बताया कंपेटेबिलिटी दो टाइप्स का है, एक है स्ट्रेस और एक है स्ट्रेन. तो डिफॉर्मेशंस का जो कंपेटेबिलिटी है वो है स्ट्रेन कंपेटेबिलिटी, और स्ट्रेस का जो कंपेटेबिलिटी है वो है स्ट्रेस कंपेटेबिलिटी. तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेन कंपेटेबिलिटी के बारे में. From this figure, we seen that एक structure है, इसका दो member है, ये है number one and ये है number two, और यहाँ पर मैंने P load apply किया. ये दो member, ये इस member से connect है, और मैंने load apply किया P. तो क्या होगा, ये deformation generate होगा ये दोनों member में, फर्स्ट मेंबर में भी एंड सेकंड मेंबर में भी. ये मे बी इक्वल हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. इस मेंबर का लेंथ एल वन, इस मेंबर का लेंथ एल टू. हेयर एल वन इक्वल्स टू एल टू है, और लोड भी मिडिल में अप्लाई किया है. सो मिडिल में लोड अप्लाई करने से इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो इक्वल होगा, एंड डिफॉर्म होने के बाद कैसे लगेंगे, बिल्कुल ऐसे लगेंगे देखने में. और मेंबर वन में जो डिफॉर्मेशन होगा वो दैट इज डेल वन, एंड मेंबर टू में जो डिफॉर्मेशन होगा वो डिनोट करते हैं डेल टू से. डेल वन इक्वल्स टू डेल टू, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी फॉर दिस स्ट्रक्चर. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. सो दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, एंड वी अप्लाई लोड ऑन दिस जॉइंट दैट इज पी. तो सवाल यही बनता है, डिफॉर्मेशन होने के बाद ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसा लगेगा. सो डिफॉर्मेशन होने के बाद ये स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा. तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर जो है और लेंथ में इंक्रीज किया है, और सेकंड मेंबर जो है वो लेंथ में डिक्रीज किया है. तो फर्स्ट मेंबर का जो इंक्रीज लेंथ हुआ है दैट इज वी जस्ट डिनोट डेल वन, एंड सेकंड मेंबर का जो लेंथ डिक्रीज किया है उसका हम डेल टू से डिनोट करते हैं. सो व्हाट इज द कंपेटिबिलिटी इक्वेशन फॉर दिस स्ट्रक्चर, दैट इज डेल वन प्लस डेल टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स फ्रॉम दिस फिगर इज सीन दैट फर्स्ट मेंबर जितना इंक्रीज किया है सेकेंड मेंबर उतना ही डिक्रीज किया है. इफ आई से दैट फर्स्ट मेंबर का इंक्रीज हुआ है प्लस वन, इंक्रीज हुआ है इसलिए प्लस वन से दे रहा हूँ, और सेकेंड मेंबर का जो डिक्रीजन हुआ है वो है माइनस वन. दैट मीन डिक्रीज हुआ है दैट इज नेगेटिव. सो वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन, डेल वन इक्वल्स टू प्लस वन एंड प्लस डेल टू इक्वल टू माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. सो इक्वेशन सेटिस्फाइड. सो आप चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे.
So that is the third example of strain compatibility. So that is a structure. From this structure, we seen that there is a member and load applied on this member, that is P, and that is a fixed platform. From this platform, this member is pinned at this point, and also two member is connected from this fixed platform to this member. तो सवाल यही है, ये load apply करने से this structure का deformations होने के बाद देखने में कैसे लगेगा? तो deformation होने के बाद ये member देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर जो दोनों member है, इसे हम first member बता देते हैं, ये है second member। तो first member में deformation कितना है? Suppose that is del 1, and second member में deformation कितना हुआ है? That is del 2. So यहाँ पर compatibility equations क्या होगा? Compatibility equations होगा, ये first member and second member का deformation का जो relation होगा, वही होगा compatibility equations. Suppose हम this length को L1 से denote कर देते हैं, और this length को L2 से denote कर देते हैं, तो compatibility equations जो होगा, वो हो जाएगा del1 by L1, that means deformation at first member and for this L1 length equals to del2 by L1 plus L2. So that means this del2 deformation for this whole length, that is L1 plus L2. So we got equation of strain compatibility for this structure. Next, we discuss this strain compatibility with a problem. So from this figure we just saw a problem. This problem, that is first member and that is second member, and both member length is same. That means we write that L1 equals to L2 equals to L. Here by applying this load, there are deformation on this structure, and after deformations, so what is the relations of deformations of these two member? That is strain compatibility. So यहाँ पर दोनों member का length मैंने L से denote कर दिया, L1 equals to L2 equals to L. तो यहाँ पर load apply करने से जो deformation होगा इस दोनों member का, तो equations क्या आएगा? Del 1 equals to del 2. मैंने first example में ही बताया, the equation is that, क्योंकि यहाँ पर deformation होने के बाद यहाँ पर जो deformation होगा, ये होगा del 1 and ये होगा del 2. So that is strain compatibility equation. तो यहाँ पर P load apply करने से क्या होगा? यहाँ जो दोनों member है, first member and second member, ये दोनों member में क्या होगा? Applied manner से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर applied होगा in this manner, and that is P1 and that is P2. So P equals to P1 plus P2, that is summation of
वर्टिकल करके मैंने किया, मतलब अगर वर्टिकल फोर्स का समेशन करें तो पी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू। तो ये हो गया अप्लाइड मैनर। अगर ये रेजिस्टिंग मैनर में चेंज करना है तो क्या होगा, रेजिस्टिंग हो जाएगा इसका ऑपोजिट, दैट्स व्हाई दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी वन पी टू एंड एक्स, दैट मीन्स फॉर व्हिच पोजिशन ऑफ दिस लोड दिस टू बार डिफॉर्मेशन इज इक्वल। सो दैट मीन्स फर्स्ट मेंबर से कितना डिस्टेंस में लोड अप्लाई करने से ये दोनों मेंबर का डिफॉर्मेशन इक्वल होगा, क्योंकि हमारा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है डेल वन इक्वल्स टू डेल टू। तो हमें क्या क्या निकालना है प्रॉब्लम से, पी वन पी टू एंड एक्स। वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास दैट डेल इक्वल्स टू पी एल बाय ए ई, दैट इज अ वेल नोन फॉर्मूला। सो वी जस्ट पुट दिस फॉर्मूला ऑन दिस इक्वेशन, सो दैट इज पी वन एल बाय ए वन ई, दैट मीन्स that P1 and P2 is different, that's why we write P1 and L is equal, that's why we just L1 equals to L2 equals to L denote kar diya, and A is different, that's why we put A1 and E is equal for both member. So that is equals to P2 into L by A2 into E. तो यहाँ पर एल एल कट जाएगा एंड ई ई कट जाएगा, रहेगा पी वन बाय ए वन इक्वल्स टू पी टू बाय ए टू। सो ए वन कितना है, दैट इज टू पॉइंट वन इक्वल्स टू पी टू बाय ए टू, कितना है टू पॉइंट सिक्स। सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, दैट इज P1 equals to 0.807 P2. So that is equation 1. And here we get P equals to P1 plus P2. That means P1 plus P2 equals to 100 kilonewton. That is equation 2. So in equation 2, just put the value of P1, so that is 0.807 P2 plus P2, that is equal to 100. So from this equation we easily calculate P2, that is equals to 55.34 kilonewton. So from first equation we calculate P1 easily by put the value of P2, and that is equals to 44.65, that is also in kilonewton. So we got the value of P1 and P2. Now we have to calculate the value of x. So x ka value calculate karne ke liye hume kya karna hoga, is point se moment lena padega. Dhyan se dekhiye, is point se moment lena padega. Kaise lenge moment, 2d figure mein moment lene ke liye kya conditions hai, summation of mz equals to 0. ये 2d फिगर है, इसका only x and y है और that is z. तो
तो अगर हम इस पॉइंट से मोमेंट लेंगे तो ये जेड के एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, ये पी इंटू एक्स दैट इज क्लॉकवाइज विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, एंड यहाँ पर पी टू इंटू टू दैट इज एंटी क्लॉकवाइज विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। सो यू कैन राइट दैट पी एक्स दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस दैट इज एंटी क्लॉकवाइज पी टू इंटू टू दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट एक्स इजिली बिकॉज पी इज नोन, पी टू इज नोन, ओनली अननोन इज एक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी दैट इज 100 एंड एक्स अननोन माइनस P2 that is 55.34 into 2 equals to 0. So x equals to 1.1 meter. So you got the value of x. So ye ho gaya strain compatibility. Ab baat karte hain stress compatibility ke bare mein. एक एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले। सो फ्रॉम दिस फिगर वी सीन दैट देयर इज अ कंक्रीट कॉलम, इन अ कॉलम देयर हैव टू मटेरियल दैट इज कंक्रीट एंड स्टील। सो दैट इज स्टील एंड दैट इज कंक्रीट। कंक्रीट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट। सो कॉन्क्रीट कलम के ऊपर एक एक्सियली लोड अप्लाई किया, तो ये लोड अप्लाई करने से क्या होगा, ये लोड कौन कौन सस्टेन करेगा, ये लोड कैरी कौन कौन करेगा, ये लोड कैरी करेगा ये स्टील एंड ये कंक्रीट, स्टील और कंक्रीट दोनों मिल के कैरी करेगा, तो दोनों में स्ट्रेस जनरेट होगा, लोड कैरी करने से स्ट्रेस जनरेट होता है, तो स्ट्रेस जनरेट होगा, दोनों में डिफरेंट होगा। सो फ्रॉम दिस डिफरेंस वी गेट सम इक्वेशन दैट इज स्ट्रेस कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। सो वी कैन राइट दैट दिस लोड पी इज कैरिड बाय पी एस प्लस पी सी, दैट मीन्स लोड कैरिड बाय स्टील एंड लोड कैरिड बाय कॉन्क्रीट, that is equilibrium equations, and stress in steel and concrete that is denoted by sigma s that is stress in steel equals to stress in concrete that is sigma c that is compatibility equation। मतलब ये load apply करने से ये steel and concrete दोनों मिलकर ये load carry कर रहा है और दोनों का stress सेम हो रहा है, यह है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस कंपैटिबिलिटी। सो दैट इज द प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम गिवन दैट देयर इज अ कंक्रीट कॉलम, वी हैव टू डिटरमाइन the value of this load P where allowable deformation of this column that is 0.3 millimeter and stress in steel that is sigma y that is 400 MPa and stress in concrete that is 20 megapascal and modulus of elasticity of steel that is 2 × 10^5 megapascal and modulus of elasticity in concrete that is 2.5 × 10^3. So for this allowable deformation what would be the load, that is we have to determine। अगर maximum deformation हम ये allow करते हैं तो इस deformation के लिए कौन सा load suitable है this column का ऊपर, यही हमें calculate करना है। From this figure
we can write that strain in steel, that is equals to 0.3 divided by 500, and strain in concrete, that is same, that is 0.3 divided by 500. So epsilon s equals to epsilon c. From Hooke's law we know that stress equals to strain into modulus of elasticity. So stress in concrete equals to strain in concrete into modulus of elasticity of concrete. So we know the value of EC and strain in concrete. So just put the value epsilon C equals to 0.3 divided by 500 into EC 2.5 into 10 cube equals to 1.5 MPa. And similarly, stress in steel, that is equals to strain in steel, that is epsilon S into modulus of elasticity of steel, that is S. Here we just put value of epsilon S, that is 0.3 divided by 500 into S, that is 2 into 10 to the power 5, that is equals to 120 megapascal. So concrete ka jo stress hai wo mil gaya aur steel ka bhi stress mil gaya. To ab mujhe calculate karna hai the value of P, how much load this column can carry. So we know that this load is carried by steel and concrete, that is PS plus PC. So P equals to, we know that stress equals to load by area, and this load equals to stress into area. So here that is load equals to stress into area. So here we just put the value of PS, that is stress, that is sigma s into area, that is S, area of steel, plus PC. Similarly, that is sigma C into AC, S means area of steel and AC means area of concrete. So that is the equation for determine this load. So here known value, that is sigma S and sigma C. Here we have to calculate S, that means area of steel, that is number of steel into one steel cross section area, that is AS equals to number of steel, that is N, into cross sectional area, that means pi by 4 into reinforcement ka jo diameter hai d uska square. So ye ho gaya as, aur ac kitna ho jayega, ac kitna ho jayega, ac equals to 5 by 4 into d square. Ye d hai column ka diameter minus as, that is ho jayega ac. Is tarike se hum लोड को निकल सकते हैं, कितना लोड अवेलेबल है इस मेंबर के ऊपर, ये हम निकल लिया. तो ये हो गया स्ट्रेस कंपैटिबिलिटी. नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट बियरिंग स्ट्रेस. इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक इट, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट हियर, टू शेयर दिस वीडियो हेल्प योर फ्रेंड्स बाय एनी प्लेटफॉर्म, आल्सो सब्सक्राइब इट फॉर वाचिंग अंटिल नाउ. थैंक यू.